सीएम हेमंत सोरेन आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों का पुलिस से भिड़ंत हो गया। पुलिस ने पारा शिक्षकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षक हजारों की संख्या में रांची के मोरबादी मैदान से सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस किसी भी तरह से उन्हें सीएम आवास तक पहुंचने नहीं देने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में शिक्षकों और पुलिस कर्मियों में टकराव की आशंका पहले से ही थी। सीएम आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पारा शिक्षकों को रोक दिया, जिसके बाद पारा शिक्षक आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इसके अलावा भीड़ को भगाने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज किया गया। मालूम हो कि कल सहायक पुलिस कर्मियों पर भी लाठी चार्ज हुई थी, जिसमें दर्जनों लोग घायल है, जिनका आज रांची के रिम्स हॉस्पिटल में चल रही है। वहीं घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने के लिए असम के सीएम हिमंत विश्वा शर्मा रिम्स पहुंचे। रिम्स पहुंचकर असम के सीएम ने सभी घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टर को बेहतर तरीके से इलाज करने का निर्देश दिया। झारखंड का तो चुनाव मेरा विश्वास है हम लगभग जीत लूंगा, वो माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी वो माहौल को हम देखने के लिए मिला, लेकिन स्टेट का परिस्थितियां ठीक नहीं है। कहीं पे पैलेस्टाइन का फ्लैग उठ जाते हैं, कभी रामनवमी का जुलूस को मना कर दिया जाता है, वही जगह में मोहर्रम का जुलूस निकालना परमिशन दिया जाते हैं, लेकिन रामनवमी को परमिशन नहीं दिया जाते हैं। काल जो घटना हुआ सहायक पुलिस का साथ आपको जानते हैं, थोड़ा दिन पहले हमारे रांची में एक पार्षद को ही गोली मार दिया गया। तो जो स्थिति हो रहा है वो स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति बिगड़ता जा रहा है, हमें स्थिति को सुधारना चाहिए।